जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली थाना खजूरी खास के अंतर्गत अमन एकता कमेटी उप कार्यालय पर, जहां पर बेजा परिवार और अमन एकता कमेटी के सभी सदस्य मौजूद हैं। आइए सीधी लाइव तस्वीर आपके सामने इस वक्त की। श्रीराम कॉलोनी वार्ड नंबर 64 के अंदर झंडा वितरण करने जा रही है मीडिया परिवार, अमन एकता कमेटी का दिल्ली प्रदेश की टीम पूरी मौजूद है। आज़ादी का महोत्सव 75वां स्वतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। जी साजिदवाल साहब। हाय फ्रेंड्स, जय हिंद। हम इस समय मौजूद हैं श्रीराम कॉलोनी खजूरी खास के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा एक अति पिछड़ा क्षेत्र है, लेकिन इस क्षेत्र के अंदर सामाजिक कार्य होता रहता है। यहीं पर एक विशाल और एक यहाँ के एक आयरमैन है जो पत्रकार भी है, मिस्टर सलीम इदरीसी, जो कि समय समय पर जागरूक करते रहते हैं समाज को, और पुलिस वाले के पुलिस थाने पुलिस के जरिए भी जागरूक करते हैं समाज को, क्योंकि वो अमन एक्शन कमेटी के मेंबर भी हैं, अमन एकता कमेटी के मेंबर भी हैं, मीडिया प्रभारी भी हैं प्रदेश, और आज भी 15 अगस्त वाले, क्योंकि 15 अगस्त का समय है, आज़ादी का है, पर्व मना रहा है बड़े धूमधाम से, तो सलीम इदरीसी साहब ने और उनकी टीम ने, जो मीडिया से आते हैं, सभी लोगों ने झंडा वितरण समारोह का प्रोग्राम किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम झंडा जो है वो दे रहे हैं, और ऐसे लोगों को दे रहे हैं झंडा जो कि गरीब परिवार से आते हैं, जो शायद सभी लोग ना खरीद पाए, अपने पैसों से सक्षम ना हो खरीदने में, हम उन लोगों को ये झंडा वितरित कर रहे हैं। जय हिंद साथियों, बने रहिए मेरे साथ। दिल्ली प्रदेश अमन एकता कमेटी उपाध्यक्ष साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आने पर। सभी इलाके क्षेत्रवासियों को मैं और मेरे अमन एकता परिवार के लोगों को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। 75वीं सर्वभारत पर इस देश को आज़ाद कराने में हमारे पूर्वजों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने सब ने मिलजुल कर इस देश को आज़ाद कराया था, उसी के उपलक्ष्य में हर साल ये जश्न स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, और सभी से मैं अनुरोध करता हूँ अपने घर घर पर ये तिरंगा झंडा लगाएं और आज़ादी का जश्न मनाएं। जय हिंद, जय भारत। 24 टुडे न्यूज़ ब्यूरो चीफ दिल्ली, रानी खान, क्या कहना है आपका? मैं रानी खान 24 टुडे न्यूज़ से, और मेरे साथ जो समक्ष में मेरे सभी मीडिया साथी मेरे साथ सब पर मौजूद हैं, और इन मीडिया कर्मियों का सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी जिन्होंने आज़ादी के इस महापर्व को मेरे साथ आकर के इतना खुशहाल बना दिया कि हमें बहुत खुशी होती है कि एक आवाज़ में हमारी इतने मीडिया कर्मी और अमन एकता कमेटी के जो सहयोगी हैं वो सब हमारे साथ आते हैं। हमने यहाँ पर एक मुहिम चलाई है, हर हर तिरंगा घर घर तिरंगा, हमारी दिल से ये कोशिश है कि जितना हो सके हम घर घर तिरंगा पहुँचा सकें, और इसमें जो भी सहयोगी मेरे साथ हैं मीडिया के लगभग सभी चैनल से यहाँ पे लोग मेरे साथ मौजूद हैं, और अमन कमेटी के बहुत सारे लोग यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं जो मुझे सहयोग कर रहे हैं और यहाँ तक इस मुहिम को मुझे कामयाब करने में मदद कर रहे हैं। मेरी तरफ से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अब हमारे बीच में लोकतंत्र के पाया संपादक तीन एक आपके जो है पत्रकार भी हैं, और काफ़ी समय से अपना पेपर उर्दू का भी चालू कर दिया दिल्ली का, और मैगजीन भी है और वीकली पेपर भी है। जी शमशाद भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? आदाब नमस्कार, मेरा नाम शमशाद अली मसूदी है, और लोकतंत्र का पाया मीडिया के नाम से एक समूह है पूरा हमारा, जिसमें मैगजीन अखबार है, और जिस तरह से रानी खान साहब ने जो है टुडे न्यूज़ टुडे 24 न्यूज़ से उन्होंने झंडों का वितरण कार्यक्रम किया है, ये अपने आप में एक बड़ी अच्छी पहल है,
और मैं तो ये कहता हूँ कि तिरंगा, ये तिरंगा झंडा जो है बिक्री पर लोग लगा के सब तरफ फ्री में बांटा जाए, ताकि हर घर तक झंडा पहुँचे, हर दिल में झंडा पहुँचे, तिरंगा पहुँचे, जिससे कि लोगों में देशभक्ति का भावना और तेज हो जाए। हर घर में तिरंगा, हर दिल में तिरंगा होना चाहिए। इसके लिए जो मुहिम है हम सब लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, जिस तरह रानी खान ने ये पहल की है और शुरुआत की है, इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार है इनका, क्योंकि इस तरह के मीडिया कर्मियों की तरफ से पहली बार देख रहा कि अभी तक पॉलिटिकल लोग या कुछ सोशल वर्कर काम करते थे, लेकिन इस बार मीडिया कर्मी भी तिरंगा वितरण में आए हैं और पूरा मीडिया परिवार और अमन कमेटी की तरफ जो लोग यहाँ आए हैं, इन सबकी तरफ से मेरा शुक्रिया और सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज़ादी का जश्न यूं ही मनाते रहें और यूं खुशियां बांटते रहें। आज़ादी का महोत्सव इस तरह से आमिर नावे साहब जुड़ चुके हैं, आमिर नावे साहब जुड़ चुके हैं, आमिर नावे साहब आप हमारे दिल में हैं, दिल में जगह बनाते हैं आपको, हमसे दूर नहीं है, बिल्कुल पास है हमारे। अब इसी कड़ी में हमारे बीच दिल्ली प्रदेश अमन एकता कमेटी अब्दुल रियाज इदरीसी सह सचिव, इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है, पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर समाज की सेवा करते रहते हैं। अब्दुल रियाज इदरीसी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यालय पर आए, उस कार्यालय पर, और आपने जो ये चार चांद लगा दिया सभी को जोड़ करके यहाँ मीडिया परिवार को और अमन एकता कमेटी के सभी सदस्यों को लेकर, क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? आप सभी मीडिया बंधुओं का मैं दिल की गहराई से स्वागत करता हूं और खैर मकदम करता हूं कि आपने अमन एकता कमेटी उप कार्यालय पर इतना बड़ा प्रोग्राम, जिसे भारत देश के 75वें अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, हर घर तिरंगा, आदरणीय प्रधानमंत्री के आह्वान के द्वारा हर घर तिरंगे का जो आपने आगाज के साथ शुरुआत की है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सभी भारतवासियों को अपने स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इसी बीच में हमारे मेहमान उत्तर प्रदेश लोनी जिले गाजियाबाद से आए हैं जी, कयूम इदरीसी साहब, यूनाइटेड इदरीसी फ्रंट में भी अपना काफ़ी योगदान रहता है इनका जी। कयूम भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या संदेश देना चाहेंगे इस मौके पर? मैं इस उत्सव पर सबसे पहले तो आप पत्रकारों का जो जिसने यहाँ पे सलीम भाई ने यहाँ प्रोग्राम रखा और अमन कमेटी के सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूँ कि हमें लोनी से इन्वाइट किया गया। तो मैं आप प्रधानमंत्री ने जो योजना चलाई है हर तिरंगा घर घर तिरंगा, तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि हर घर पर तिरंगा लहराएगा और हिंदुस्तान का जो सितारा है वो बुलंद हमेशा ही रहेगा, और आपने यहाँ हमें बुलाया, मैं इसका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इसी बीच में हमारे साथ अमन एकता कमेटी के जुजारू शरीफ खान इदरीसी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है अमर एकता कमेटी के कार्यालय पर, क्या संदेश देना चाहेंगे 75वें महोत्सव पर? सबसे पहले मैं अपने मीडिया प्रभारी सलीम इदरीसी साहब का, मेरी बड़ी बहन पत्रकार रानी खान जी का और सभी यहाँ मीडिया बंदी मीडिया पत्रकार बंधुओं का सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जैसे कि आज पूरे भारत के अंदर 75वां भारतवर्ष का जो अमृत महोत्सव है, जिसे स्वतंत्रता दिवस के नाम से जाना जाता है, सभी देशवासियों को हार्दिक अनंत बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और काफ़ी वर्षों से जब से हमने होश संभाला है, इसी तरह हम लोग इस त्यौहार को मनाते आए हैं और मनाते रहेंगे। हर हर तिरंगा, हर घर तिरंगा। जय हिंद, जय भारत। देखिए हमारे शमशाद भाई, आप देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीर श्री राम कॉलोनी वार्ड नंबर 64 से। भाई ये आगे ना बोलो
सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाइयां। आज़ादी का 75वां महोत्सव मनाया जा रहा है। बेटा दर्शन रास्ता छोड़ते रहे, रास्ता छोड़ते रहे, रास्ता छोड़ते रहे। लाइव चला रहे। आज़ादी का महोत्सव आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं आपको। इसे घर जाके लगाना है, रखना नहीं है। लाइव तस्वीर आपके स्क्रीन पर। अमन एकता कमेटी के कार्यालय पर वार्ड नंबर 64 में थाना खजूर खास के अंतर्गत आप देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीर की। झंडा वितरण हो रहा है। हर हर तिरंगा, हर घर तिरंगा। ये झंडा ले आप। हाथ में रख ले बेटा, हाथ में रख ले। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। उधर जाओ, उधर जाओ, सारे खा रहे हैं। आप मैं ले लूँगा बैग में, कुछ मैं बैग ले लूँगा कुछ। हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये बहुत अच्छा लगा देखते। भारत माता की जय, भारत माता की जय।
देशवासियों को ये जो अदालत का मांग पड़ रहा है वो बहुत तो साथियों देखा आपने किस तरीके से अमन एकता कमेटी ने और मीडिया बंधुओं ने यहाँ पर झंडा वितरण समारोह किया कि आज 75वां आज़ादी का महोत्सव मना रहा है देश। तो इसके लिए मैं सभी के यहाँ पर आए मीडिया कर्मियों का और अमन एकता कमेटी के मेंबर्स का सभी का शुक्रिया अदा करूँगा, सभी को धन्यवाद करता हूँ। साथ में जो मीडिया बंधु आए हैं उन लोगों का भी धन्यवाद और शुक्रिया करता हूँ। और साथ ही बहुत बहुत बधाई देता हूँ रानी खान जी को और सलीम नितिन जी साहब को जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा। जय हिंद जय भारत। जिन्होंने यहाँ पे आकर के अपना कीमती समय निकाल के हमारे साथ शेयर किया और